दोस्तों देख के लग रहा है ना, ये कोई छिलका ही है। हाँ दोस्तों, ये करेले के छिलके हैं। और ये मन में भी सवाल आया होगा, ये करेले के छिलके झिल्ली क्यों दिखा रही है? ये बात है ना दोस्तों। लेकिन ये जो करेले का छिलका है, इससे ना मैं 2-3 वैरायटी की रेसिपी बनाती हूँ। और आज सोची एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आप भी कभी करेले के छिलके नहीं फेंकेंगे। जय जगन्नाथ। और सबका स्वागत है मेरी चैनल झिल्ली स्पाइस बॉक्स में। दोस्तों आज चलिए बनाते हैं खरी करेले के छिलके से एक ऐसी रेसिपी जिसको जो भी खाएगा ना बोलेगा ये किससे बना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 3 करेला, जिसको मैंने भरवा करेला बनाने के लिए लिया था, तो उसका छिलका निकाल के इसको मैंने ले लिया है, अच्छे से धो के साफ कर लिया है। अभी इस छिलके को हम क्या करेंगे, एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए, एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर करके अब इसमें हम आलू मिलाएंगे। तो दोस्तों मैंने इसमें ना 2 मीडियम साइज का आलू पर बारीक काट के लिया है, पतले पतले लंबे लंबे। अगर आप इतना बारीक नहीं काट सकते तो जो बड़ा वाला ग्रेटर होता है ना, आप उसी से ग्रेट करके भी ले सकते हैं। और या फिर आप अगर शुगर या डायबिटिक पेशेंट हैं, या फिर जैसे आजकल वेट लॉस के लिए आलू नहीं खाते हैं, तो वहां पे सिर्फ आप करेला और प्याज के साथ भी इसको बना सकते हैं बिना आलू डाले। यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसको भी बारीक पर पतले स्लाइस में लंबा लंबा काट लिया है। तो आपने देखा ना, तो आलू को स्किप करके करेला और प्याज के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। अभी इसमें हम 4 बड़े चम्मच, फुल बड़े चम्मच बेसन डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले 4 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। डालने के बाद आधा छोटा चम्मच से कम, मतलब 1/3 छोटा चम्मच करीबन हल्दी, और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, उसके साथ आधा छोटा चम्मच नमक, और 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, या फिर डालमा मसाला अगर घर में है तो वो भी डाल सकते हैं। अभी हम इसको हाथ से ऐसे मसलते हुए मिक्स करेंगे, जिससे क्या होगा, आलू भी पानी से निकाले हैं, प्याज, करेले, करेले का जो छिलका है, सब में पानी रहता है। तो हमें ये बाइंडिंग के लिए हमने बेसन डाला है। पहले देखते हैं कितना मिक्स होता है, उसके बाद हम इसमें पानी मिलाएंगे। तो अभी देखिए, मैं हल्का सा बस 2 बड़े चम्मच पानी ले रही हूँ, ज्यादा नहीं, एक पानी का छींटा जैसे मार रही हूँ ना वैसे मिक्स किया दोस्तों। लेकिन ये ना बाइंडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, यहाँ पे मुझे ना और थोड़े से बेसन की जरूरत है। तो चलिए और थोड़ा सा डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा 2 बड़े चम्मच बेसन ले रही हूँ, मतलब यहाँ पे इतने से बनाने के लिए 1/3 कप मेरा बेसन लग गया है। अभी फिर से 2 बड़े चम्मच पानी डाल के इस बेसन को हम सारी चीजों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आप देखिए, प्रॉपर जो मिक्सचर है तैयार हो गया है और प्रॉपर बाइंडिंग भी हो रही है। बस अभी आप तवा चढ़ाइए, मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक फ्राइंग पैन चढ़ाया है। आप जो तवे पे बनाते हैं पराठा, उस पे भी बना सकते हैं। 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेंगे, करेला तो सरसों के तेल में ही अच्छा फ्लेवर आता है ना। लेके यहाँ पे ऐसे 3 बड़े चम्मच करीबन का मिक्सचर हाथ में लेंगे, और जैसे मतलब लोई बनाते हैं रोटी का, उस टाइप का बना के इसको बस रख देंगे। रख के हल्का सा ऐसे प्रेस करके स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह जितना पैन में जगह आए हम उतना ही डाल देंगे। ये देखिए, मैंने कैसे लोई टाइप का बना के डालने के बाद अंगूठी से थोड़ा सा बस प्रेस कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे मेरे जो मैंने जितना तेल डाला था और मेरा फ्राइंग पैन जितना बड़ा है, उसमें 5 टिक्की मेरे आ गए हैं। बोलते बोलते आप लोगों को टिक्की बोल दिया, तो ये करेले की टिक्की का नाम से कितना अच्छा लग रहा है ना। 2 मिनट एक तरफ से सेकने के बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे, और पूरा प्रोसीजर मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ से कितना अच्छा क्रिस्पी लग रहा है। बस ऐसे सारे टिक्की जो हमने बनाया है सबको ऐसे फ्लिप कर देंगे, और फ्लिप करने के बाद इसको मतलब दूसरी तरफ से भी वैसे ही 2 मिनट हम सेक लेंगे। दोस्तों अगर करेले के छिलका या फिर आप प्लेन साबुत करेले को भी ना ग्रेट करके या पूरी बारीक काट के भी आप ये वाला बना सकते हैं। बना के आप लोग बताइए मुझे जरूर कि उसमें भी आप लोगों को कैसा लगा। 2 मिनट बाद फिर से फ्लिप करके देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा, मतलब कलर कितना सुंदर आया है, और जो क्रिस्पी भी बहुत क्रिस्पी भी बना है। इसको गर्मा गर्म बस आप परोसिए दाल चावल के साथ। लेकिन हाँ, घर में अगर मेहमान आए ना तो जरूर बनाइए, और सबको पूछिए ये किस में बना है, कोई नहीं जान पाएगा।
और अगर आपके घर पे डायबिटिक या कोई शुगर पेशेंट है तो उनको करेले के छिलके के साथ प्याज डाल के ऐसे ही बेसन के साथ बना के दीजिए, उनको भी करेले हर वक्त खा खा के जो बोर हो गए हैं उनको भी मजा आएगा। तो ये देखिए सारी टिक्की हमारे बनके एक बैच का तैयार हो गया है। अभी हम दूसरा बैच भी कर लेंगे, सारी को पहले निकाल लेते हैं। बस दोस्तों निकालने के बाद उसी सेम पैन में फिर से 3 चम्मच ऐसे तेल डालेंगे और तेल डाल के बाकी जो बैट मतलब मिक्सचर बचा है उससे हम फिर से वैसे ही मतलब टिक्की टाइप का बना लेंगे। तो ये जो टोटल मैंने मिक्सचर बनाई थी उसमें से मेरे 9 टिक्की बन के तैयार हो गए हैं। मैंने तो इसका नाम करेले की टिक्की रख दिया बोलते बोलते, अभी आप लोगों को बताते बताते बस मुंह में आ गया नाम। लेकिन इसका नाम क्या होना चाहिए मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये जो टिक्की आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताइए जरूर। तो आशा करती हूँ मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों कितनी क्रिस्पी करारी बनी है, ट्राई जरूर करिएगा।